गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो है आज कोई मेकअप की वीडियो नहीं है, लेकिन एक आपको मुझे एक रिव्यू देना है कॉस्मेटिक का। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जो है मेरे पास जो है क्रिस्टीन की प्रोफेशनल पेंट स्टिक जो है वो है, जो आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग में है। ठीक है, की पैकेजिंग में है। और ये पेन स्टिक है बेसिकली जो मेकअप में बेस के तौर पे लगती है, वो है एक है मेरे पास शेड CN38। ठीक है, ये देख सकते हैं आप CN38। और जो है एक इसमें शेड है CN IV। ये बहुत ज़्यादा फेयर पे चला जाएगा और ये आई थिंक फेयर टू मीडियम होगा। ये देखें ये देखें 38 जो है शेड, उसका कुछ इस तरह का टोन है। ठीक है, ये देखें आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा, उसका है ये वाला शेड। ठीक है, यार मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, देखें ये वाला शेड है। ठीक है, और जो आइवरी है ना उसका शेड है ये वाला, आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में। ये जो है येलो टोन में जा रहा है और ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं स्किन पे कौन सा सूट करता है। और जो है मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि स्किन पे बैठ भी रही है ये बेस की नहीं, और किस तरह का है, तो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ये CN38 का जो शेड है वो लूँगी अपने साइड से। स्पंज जो है मैंने थोड़ा सा बैठ लिया है, ठीक है, ताकि जो बेस है थोड़ी सी बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह का जो है ये बेस है। ठीक है, और यार ये मेरे शेड पे जो है बिल्कुल सूट कर रहा है। ये देखिए ये जो है स्किन पे थोड़ा सा सूट भी कर गया है, और ये मेरे टोन पे जो है ना, मेरी जो स्किन टोन है उस पर बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। देखिए इस पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, मेरी नॉर्मल स्किन है, और मैंने कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, और ये मैं डायरेक्ट स्किन पर ही अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और ये देखिए आप इस तरह का है। ठीक है, ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में जा रहा है। और जो आईवरी का शेड है वो तो मेरे से बहुत लाइटर शेड है, खैर इसको भी ट्राई कर लेते हैं। येलो टोन में जा रही है ये, उन मतलब उस मौक़ों पे ये काम आती है स्टिक, जब आप कोई शादी ब्याहों पे जा रहे हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है स्टिक्स। और इसको सेट करने में भी बहुत टाइम लगता है। ये तो बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है ये आईब्री वाला शेड, ये फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा है। अच्छा मैं आपको इसकी खास बात बताऊँ कि जो है ये तकरीबन आधे घंटे बाद जो है ये फाउंडेशन थोड़ी सी ऑक्सीडाइज होती है। तो आपने मतलब आपकी जो स्किन टोन है ना, जो भी आपकी स्किन टोन है, जो भी है एक्चुअली, आपने उससे एक जो है टोन लाइटर लेना होता है, जो भी फाउंडेशन हो आप एक टोन लाइटर लें। जब आप अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे तो उसके हाफ एन आवर बाद जो है आपकी फाउंडेशन जो है, जब आप स्किन पे अच्छी तरह बिठा लेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होगी मुझे। ठीक है, ऑक्सीडाइज होके वो आपकी स्किन पे जो है बैठ जाती है, आपकी जो है स्किन टोन पे बिल्कुल सूट कर जाती है। ठीक है, अभी आपको देखिए बिल्कुल जो है वाइट वाइट लग रही होगी, बहुत चिट्टा लग रहा होगा जैसे ना, लेकिन यही फाउंडेशन है। जब आप आधे घंटे बाद एक घंटे बाद आप देखेंगे तो ये आपकी स्किन पे बिल्कुल बैठ गया होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। ठीक है, तो ये सीन होता है, बहुत कम फाउंडेशन होती हैं ऐसी जो ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं, वरना अदरवाइज जो है 85% 90% जो फाउंडेशन होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज होकर आपकी स्किन टोन पर आ जाती है। ठीक है, तो ये देखें ये है, और ये अभी आपको बिल्कुल चिट्टा चिट्टा लग रहा है, लेकिन जब ये आधे घंटे बाद एक घंटे बाद ऑक्सीडाइज होगा तो मेरी स्किन टोन पर आ जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो है इसका रिव्यू अगर देना चाहूँ मैं, तो रिव्यू ये दूँ कि यार ये स्टिक पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हैवी और केकी लुक आता है, तो बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। अगर कहीं शादी ब्याह में और इवेंट्स वगैरह में जाना होता है तो जाके मैं ये यूज़ करती हूँ, वरना नॉर्मली मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। और जो है बस यही आपसे कहता हूँ। और ये यार हमें जो है पाकिस्तानी ब्रांड को ही कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन हमें जो है पाकिस्तानी ब्रांड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बींग अ पाकिस्तानी हमें जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, जो प्रेस्टीज कंपनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके जो नेल पॉलिश वगैरह होते हैं और स्पेशली जो लिपस्टिक होती है ना उनकी, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। मतलब वो मैंने पर्सनली यूज़ भी की है। उनकी लिपस्टिक्स एक मेडोरा हो गई और एक प्रिस्टीन हो गई, इन दोनों की लिपस्टिक ऑसम होती है। मैट नहीं होती, मतलब वो मैट तो नहीं होती है लेकिन हट जाती है। लेकिन उनके अगर वो लिप ग्लॉस, आई डोंट नो उनके लिप ग्लॉस हैं या नहीं, अगर इनके होंगे तो बेहतरीन किस्म के होंगे, होप सो। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोलो।